वेलकम टू आर डिजिटल लैंग्वेज। हेलो फ्रेंड्स, एमपी में सी एनटीए की हाईएस्ट अपडेट देने वाले चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पे एमपी में सी के साथ साथ एमपी एनआरसी की भी आपको सारी अपडेट मिलती है। हम सभी जानते हैं एमपी में सी क्या काम है और एमपी एनआरसी का ये लगातार मैंने अपने वीडियोज में स्टूडेंट्स के लिए अपडेट दिया। आज का ये वीडियो काफी खास वीडियो की और आज इतने दिन बाद वीडियो डली है। जैसे कि आप सभी जानते हैं यूट्यूब पे काफी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड हो पा रही थी कुछ टेक्निकल इश्यूज के कारण। आज समराइज करूंगा कुछ पुराने टॉपिक्स और नए टॉपिक्स के साथ और करेंटली एग्जाम्स को लेकर के जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, सर बहुत से बच्चे स्टूडेंट बोलते हैं, मुझे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर आप सिर्फ नर्सिंग की ही बात क्यों करते हैं, पैरामेडिकल की नहीं। तो आज हम नर्सिंग और पैरामेडिकल सभी की बात करेंगे। नर्सिंग की भी बात करेंगे, एग्जाम कब से होगी, पैरामेडिकल की भी एग्जाम्स कब से होगी, इसकी चर्चा करेंगे। जो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि सर कोर्ट अपना काम कर रहा है, कॉलेज अपना काम कर रहा है, मतलब इसमें स्टूडेंट्स क्यों हमेशा पिस रहे हैं। क्योंकि सुटेबल अनसुटेबल कॉलेज हो सकता है, सुटेबल विद माइनर डिफरेंटिव कॉलेज हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट तो सुटेबल अनसुटेबल थोड़ी होता है। स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है एक इंस्टीट्यूट का। उसके पहले 2020 में स्टूडेंट ने एडमिशन लिया तो उसकी क्या गलती, उसको थोड़ी पता था कि ये इस पात्र में है, सुटेबल है कि अनसुटेबल है कॉलेज, उस समय उसकी तो कोई गलती है नहीं। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन राइज होता है कि जो बच्चे अनसुटेबल पाए गए उन बच्चों का क्या होगा। आज के इस वीडियो में ये भी बात करने जा रहे हैं कि अनसुटेबल स्टूडेंट्स का भी क्या होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 169 कॉलेज जो सुटेबल पाए हैं उनमें तो कोई समस्या नहीं है। फिर आता है 74 ऐसे कॉलेज जिसके लिए कमेटी बनी है, लेकिन जो हमारे 56 ऐसे कॉलेज हैं उनका क्या, और साथ ही साथ जो 65 कॉलेजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस पे स्टे लगा रखा था, तो इन कॉलेजेस का भी क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक जब इसके लिए आदेश नहीं देंगे तो क्या एग्जाम होगा क्या नहीं होगा। अब विषय आता है कि सर 169 कॉलेज की एग्जाम की कोर्ट ने आदेश दिया है, कोर्ट ने स्टे डाल दिया, क्या एग्जाम कब तक होगा, फिर इन 74 कॉलेज का कब होगा, ये सारी चीजें समझते हैं। कल हमने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से एक बड़ा ज्ञापन किया था, उसमें हमने साफ साफ रजिस्ट्रार और वीसी से क्वेश्चन किया था। हमने रजिस्ट्रार एवं वीसी से चर्चा करके यही पूछा कि आप एग्जाम कब ले रहे हैं। उनका कहना साफ साफ है, हम टाइम टेबल या फिर आज हमारी वीडियो देखने क्या शाम तक आपके लिए टाइम टेबल आ जाए, या तो मंडे को, मतलब मोस्ट प्रोबेबली जो टाइम टेबल आना है वो कब आना है पर वो किसके लिए होगा, अभी 169 कॉलेज के लिए होगा। मंडे तक आपके टाइम टेबल आ जाएंगे, ना सिर्फ नर्सिंग के होंगे ये पैरामेडिकल के भी होंगे, क्योंकि हम सभी जानते हैं और सभी स्टूडेंट समझ रहे हैं कि सिर्फ नर्सिंग का मैटर नहीं है, क्योंकि हर एक संचालक नर्सिंग विद पैरामेडिकल है, मतलब नर्सिंग के एग्जाम्स रोकने के बाद पैरामेडिकल के भी एग्जाम रोक दिए गए, कोर्ट ने स्टे लगा दी, लेकिन अभी स्टे हट चुका है। तो अभी मंडे को या फिर आज फ्राइडे है और आज शिवरात्रि, आप सभी को शिवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आज यूनिवर्सिटी वर्क करेगा तो आज ही टाइम टेबल आ जाएगा, नहीं तो मंडे को टाइम टेबल रिलीज हो जाएगा। तो मंडे को ये कंफर्म हो जाएगा कि आप लोग के टाइम टेबल एग्जाम हो गए। सर ने कहा है कि 1 अप्रैल से एग्जाम होंगे। अब इसमें जो क्वेश्चन अराइज होता है कि एग्जाम 1 अप्रैल से टाइम टेबल तो आ जाएगा, लेकिन एग्जाम होगा कि नहीं होगा, क्योंकि सर एग्जाम फिर पोस्टपोन हो जाएंगे क्या, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है 12 मार्च से, अपनी इलेक्शन कमीशन ने आचार संहिता लगा दी। फिर एक दिमाग में क्वेश्चन आ जाता है सर आचार संहिता में एग्जाम होगी क्या। जी हाँ, अगर कोई लीगल इंक्वायरी लीगल सेक्शन नहीं फंसा, क्योंकि आज हमारे दिमाग में क्या आता है कि सर ये जो ये कॉलेज है अनसुटेबल वाले, ऐसा तो नहीं सर ये अनसुटेबल कॉलेज वाले आप कोर्ट में चले जाएंगे और कहेंगे कि हमारे एग्जाम क्यों नहीं करा रहे हो। तो मैं आपको क्लियर करता हूँ, अनसुटेबल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो सुटेबल अनसुटेबल थोड़ी हैं, उनको तो जेन्युइन माना गया है, वो तो क्योंकि एडमिशन लिए तो वो एग्जाम देंगे। उनको कहाँ डाला जाएगा, उन अनसुटेबल कॉलेज को, इनको 74 कॉलेज में रखना है कि इनको 169 कॉलेज में रखना है, ये तय कौन करेगा, ये कमेटी तय करेगी। और वो कमेटी बन के तैयार है। अब कमेटी काम क्या है, कमेटी काम ये है, कमेटी ये तय करेगी कि वो कौन कौन से कॉलेज हैं जिनमें बच्चे आए, बोगस बच्चों की बात नहीं होती, जिन बच्चों ने कॉलेज गए हैं उन्होंने अपना टाइम टू टाइम क्लासेस किया है और अपना पूरा पैरामीटर्स जो एक पैरामीटर टीप जो समस्याएं आ रही हैं उसको देखा है, लेकिन
वो स्टूडेंट्स जो कभी आए ही नहीं है उनके लिए क्या करना है क्या नहीं करना ये तो कमेटी डिसाइड करेगी, लेकिन जिन्होंने ईमानदारी से कॉलेज गए हैं एग्जाम मतलब अपना पूरे करिकुलम अपनाए हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूँ, चाहे वो अनसुटेबल कॉलेज से ही हो, कोर्ट ने साफ साफ कहा है अनसुटेबल कॉलेज के बच्चे भी तो जेन्यून ही है, कॉलेज अनसुटेबल हो सकता है, बच्चा कैसे मतलब स्टूडेंट कैसे अनसुटेबल हो सकता है, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, फिर आता है कि सर नर्सिंग पैरामेडिकल के एग्जाम्स का आपने बता दिया कि 1 अप्रैल से टाइम टेबल आ जाएगा, और आपको यह भी क्लियर है कि टाइम मतलब 1 अप्रैल से एग्जाम हो जाएगा और मंडे या फिर आज फ्राइडे है या तो मंडे तक आपके टाइम टेबल अनाउंसमेंट हो जाएगा। मतलब एक बहुत बड़ी खबर आ गई है यूनिवर्सिटी से कि आप लोग के एग्जाम्स 1 अप्रैल से होंगे और टाइम टेबल मंडे या फिर फ्राइडे या मंडे आज शाम तक या फिर मंडे को सुबह तक आप देखोगे कि आपको टाइम टेबल मिल जाएगा। सर अभी जो सर एक बड़ा विषय है सर जनरल प्रमोशन को लेकर के, क्योंकि जनरल प्रमोशन की जो एक विषय आ रहा था इसमें मैं आपको क्लियर कर दूं, जनरल प्रमोशन के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, अब वो जनरल प्रमोशन किस किस के अनाउंस हुए हैं एक बार मैं बता दूं क्योंकि बार बार आप क्वेश्चन अराइज करते हो। देखिए ये 21 दिसंबर, फिर उसके बाद 19-20, फिर उसके बाद 19-20 बैच के लिए हो गया, फिर उसके बाद ये पोस्ट बेसिक बीएससी, बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर और फाइनल ईयर, मतलब जो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर कॉलेज लेवल एग्जामिनेशन जो कराया था किसके लिए 19-20 के लिए, फिर जनरल प्रमोशन सेकंड ईयर के लिए 19-20 के लिए, जनरल प्रमोशन थर्ड ईयर के लिए जो 19-20 के लिए, और पोस्ट बेसिक बीएससी जनरल प्रमोशन 19-20 के लिए। ये जो बैचेस हैं 19-20 वाले इनके जो जो विषय थे जिन जिन में, क्योंकि 19-20 वालों को ही जनरल प्रमोशन उस समय मिला था तो उनके सारे रिजल्ट आ गए। अगर अभी भी कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका जनरल प्रमोशन इस रिजल्ट में नहीं आया आप जाकर के भी चेक कर लेंगे, ये 6 तारीख को अपडेट डली लेकिन 7 तारीख अपलोड हुआ था, 7 मार्च यानी कल 7 मार्च को ये पूरे रिजल्ट अनाउंस कर दिए यूनिवर्सिटी ने, और आप सभी को जानकर के बहुत खुशी का महसूस होगा, हर्ष महसूस होगा कि 1 तारीख को अपनी कार्य परिषद की बैठक में तय कर लिया गया कि हर स्टूडेंट के एग्जाम करानी है, हर स्टूडेंट की। मैं क्या कह रहा हूँ, चाहे सुटेबल हो चाहे अनसुटेबल हो चाहे आपको कॉलेज एडमिशन हो, एग्जाम यूनिवर्सिटी सबकी कराने के लिए ऐसा विधेयक पास कर दिया है कि बच्चों का एग्जाम तो कराइए, कॉलेज सुटेबल अनसुटेबल हो कॉलेज के ऊपर है, तो इसीलिए वो बच्चों का क्या स्टूडेंट्स का क्या होगा, क्या वो स्टूडेंट्स अनसुटेबल सुटेबल में जाएंगे या फिर क्या होने वाला है, ये सारी धीरे धीरे आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अगर आपको हमसे लाइव सेशन के माध्यम से क्वेश्चन आइज करना है तो मैं लाइव भी किसी दिन रख दूंगा। फिलहाल तो आप जनरल प्रमोशन के अपडेट मैंने दे दिया किस किस का रिजल्ट आया है, अभी एक और रिजल्ट यूनिवर्सिटी ने अपडेट करी है उसके लिए भी जान लीजिए क्या क्या है। BHMS का रिजल्ट आ गया है 2023 में जो एग्जाम हुआ था मेन सप्लीमेंट्री का, बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का रिजल्ट आ गया जो 2023 में हुआ था, MBBS सेकंड प्रोफेशनल के रिजल्ट आ गया जो 2023 में होते हैं, और रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट आ गया जो BPT सेकंड ईयर का था जो अगस्त में हुआ था। अब सर जो MPNRC है इसके अभी रिसेंटली स्टार बदले गए हैं, आपको जानकारी है क्या सर? जी हाँ भैया, अभी MP में जो MPNRC के जो रजिस्ट्रार है उनको बदल के नए जो रजिस्ट्रार आ गए हैं वो हैं अभिषेक दुबे जी। सर इसके पहले वाले क्यों हटाए थे इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि वो कैसे अपने ही कॉलेज को बढ़ावा देने के लिए खुद ही एक संचालक थे और काफ़ी उनके कॉलेजेस चलते थे और वो रजिस्ट्रार भी थे, तो इस तरह से उन पर आरोप भी प्रत्यारोप भी, फिर उनको हटा दिया गया और वापस से आपको सभी को मालूम चला होगा कि ये वर्तमान में ये 5 मार्च को नियुक्ति पत्र आ चुका है अभिषेक दुबे जी का। आशा करते हैं कि उनके कार्यकाल में अच्छा MPNRC कार्य करेगी। अभी जो कोर्ट के आदेश आए हैं छोटा सा उसके लिए भी समय ले रहे हैं, जो अभी अपनी कोर्ट की हेयरिंग हुई है अभी 1080/2022। सर आप इतने सारे टॉपिक्स को मिक्स कर रहे हैं, जानकारी लेना जरूरी है क्योंकि काफ़ी दिनों से वीडियो बनी नहीं, तो थोड़े थोड़े टॉपिक्स में आपको समराइज करके एक छोटा वीडियो आपके फॉर्म में अवेलेबल कर रहा हूँ। आज के मतलब जो 11 मार्च को जो अब हेयरिंग की जो डेट बढ़ा दी गई है वो कब कर दी गई है 11 मार्च को, यानी कल हेयरिंग होने वाली है। आप सभी को जान करके अब इस हेयरिंग में देखिए नर्सिंग केस की अगली सुनवाई संभावित कब है 11 मार्च 2024 को, अभी तक ये लिस्टिंग नहीं हुई है, जैसे लिस्टिंग होगी मेरे चैनल के माध्यम से आपको कम्युनिटी बॉक्स पे अपडेट मिल जाएगा। इसी तरह के अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल आवर्ट को सब्सक्राइब करें, एक वीडियो में जो कल प्रदर्शन किया उसके लिए भी आपके लिए वीडियो रिलीज कर रहा हूँ, लॉन्ग वीडियो है ये वाला वीडियो, तो आपके लिए
एजुकेशनल डाटाबेस वीडियो। धन्यवाद।